जा सकते हैं 2024 के अंदर, किस तरह से आप लोग विदाउट एनी एजेंट न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा ले सकते हैं, वर्क परमिट ले सकते हैं, और आप किसी एजेंट को 17 लाख 20 लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 1 से 2 लाख रुपए में ही आप न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा ले सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि किस तरह से भाई आप लोग न्यूजीलैंड मूव हो सकते हो, किस तरह से न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा सिर्फ 1 से 2 लाख रुपए में ले सकते हो। पूरा प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड जाने का देखिए हमारे इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, मलेशिया के लोगों का बहुत ज़्यादा ड्रीम है, और ड्रीम इसलिए कि भाई न्यूजीलैंड में जो है जो पैरेट अच्छा मिल जाता है, लगभग 3 से 4 लाख रुपए भी आप इजीली अर्न कर सकते हो, और बहुत सारे लोग हमारे इंडिया के ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस कंट्री चले गए हैं और इतना पैसा अर्न भी कर रहे हैं। तो इस कंट्री में बहुत सारी जॉब वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं, बहुत सारे जो वर्कर्स हैं इस कंट्री को चाहिए, और इस कंट्री में सुपर मार्केट्स में, कंस्ट्रक्शन लाइन में, हॉस्पिटलिटी लाइन में, ट्रांसपोर्टेशन लाइन में बहुत सारे जॉब्स होते हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर हो गए, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ठीक है, शेफ्स हो गए, कुक्स हो गए, इस तरह की जॉब जो बहुत ज़्यादा डिमांड में होती है, और कंस्ट्रक्शन लाइन में जैसे कंस्ट्रक्शन लेबर की जॉब काफ़ी ज़्यादा डिमांड में होती है। इवन फार्म वर्कर, फ्रूट पिकर, डेयरी फार्म वर्कर, इस तरह की जॉब्स बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलेगी, और इन जॉब्स में जो मैंने आपको बताई चांस बहुत ज़्यादा होता है कि आपको वर्क वीज़ा काफ़ी ईजिली मिल जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जो वीज़ा आपको बताने वाला हूँ, उस वीज़ा का नाम है न्यूजीलैंड का एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा। ठीक है, ये एक ऐसा वीज़ा होता है जो कि आपको डायरेक्टली 3 इयर्स का मिलता है, ना कि 1 साल, ना कि 9 महीने, ना कि 2 साल, डायरेक्टली आपको 3 साल का वीज़ा मिलता है। और ये जो वीज़ा होता है ये आपका रिन्यूएबल होता है, यानी 3 साल ख़त्म होने के बाद में आप इस वीज़ा को रिन्यू करा सकते हो। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई आप लगभग 5 साल तक न्यूजीलैंड में रहते तो भाई आप वहाँ के PR के लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हो, आप वहाँ का परमानेंट रेसिडेंसी बन सकते हो। इस वीज़ा की जो कॉस्ट है दोस्तों, वो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहता हूँ, इस वीज़ा की जो एप्लीकेशन कॉस्ट है वो है सिर्फ $750। तो अभी आई थिंक न्यूजीलैंड का जो $1 है वो इंडियन करेंसी 53 रुपीज़ का है, तो सिर्फ 40,000 रुपये के खर्च में आपको ये वीज़ा मिल जाएगा, सिर्फ 40,000 रुपये आपको पे करने हैं MBC में और ये वीज़ा आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये वीज़ा मिलना इतना भी आसान नहीं कि भाई आपने 40,000 रुपये मैसेज पे कर दिया और आपको वीज़ा मिल गया। पूरा प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा, तभी आपको ये वीज़ा मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीज़ा के वो 40,000 रुपये में लेना चाहते हो $40,000 में, यानी $750 पे करके, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए वो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका लगेगा वो है आपका आइडेंटिटी। ठीक है, आपका पासपोर्ट आपके पास में होना चाहिए और जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 मंथ की होनी चाहिए। उसके बाद में आ गया आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में आपका हेल्थ सर्टिफिकेट आ जाता है। उसके बाद में आपका जेन्युइन इंटेंशन का एक सर्टिफिकेट लगेगा, यानी आपका इंटेंशन क्या है न्यूजीलैंड में जाने का। उसके बाद में आपका एक जॉब ऑफर लेटर, ठीक है, तो ये सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि आपको जॉब ऑफर लेटर इजीली नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, बट इस वीज़ा के अंदर बहुत सारे लोग ट्राई भी कर रहे हैं बहुत दिनों से, बट उनके पास जॉब ऑफर लेटर नहीं है, जिसके वजह से वो इस वीज़ा को नहीं ले पाते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक लिस्ट मेंशन करने वाला हूँ। उस लिस्ट में क्या रहेगा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये जो लिस्ट है ये न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने इशू की हुई है, और इस लिस्ट के अंदर उन एम्प्लॉयर्स का नाम है, उन एम्प्लॉयर्स की कंपनी का नाम है जो ये वर्क वीज़ा आपको प्रोवाइड करा सकती है। ठीक है, सिर्फ वही कंपनीज हैं जो आपको जॉब ऑफर लेटर दे सकती है और इस वीज़ा के अंदर आपको न्यूजीलैंड में बुला सकती है। तो उस लिस्ट का लिंक वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेंशन कर दिया है, बट वीडियो में आगे चलकर मैं आपको उस लिस्ट को पूरा ओपन करके दिखाऊंगा, किस तरह से आप जॉब एप्लीकेशन करेंगे उन कंपनी में, वो प्रोसीजर मैं आपको समझाऊंगा काफ़ी अच्छे से। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देख लेना, और CV कवर लेटर नहीं है आपके पास में न्यूजीलैंड फॉर्मेट का तो बनवा लेना, काफ़ी कम चार्ज में CV कवर लेटर बन जाता है, आप मुझे व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं। और CV कवर लेटर न्यूजीलैंड फॉर्मेट का ही होना चाहिए आपका, क्योंकि जब आप इन कंपनीज में एप्लीकेशन करेंगे जॉब के लिए तो CV कवर लेटर न्यूजीलैंड फॉर्मेट का आपका होना चाहिए। बाद में दोस्तों, आपका ऑक्यूपेशन रजिस्ट्रेशन का एक सर्टिफिकेट लेगा, तो ये जो सर्टिफिकेट रहेगा आपका एम्प्लॉयर आपको देगा। ये जो वीज़ा है, जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा है, ये उन ही लोगों को मिलता है जिनका जॉब स्किल शॉर्टेज लिस्ट में आता है। तो स्किल शॉर्टेज लिस्ट में कौन कौन सी जॉब्स आती है वो आपको जानना है,
तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएं, मैंने स्किल शॉर्टेज लिस्ट का एक लिंक मेंशन किया है, उस लिस्ट को डाउनलोड कीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी जॉब्स जो है स्किल शॉर्टेज लिस्ट में आती है। डॉक्यूमेंट्स तो दोस्तों मैंने आपको बता दी भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, और यही डॉक्यूमेंट दोस्तों आपके पास में होने चाहिए अगर आप न्यूजीलैंड ये चाहते हैं। सिर्फ 40,000 रुपये में आप न्यूजीलैंड में होना चाहते हैं और 3 साल तक वहाँ पर जाकर काम करना चाहते हो। तो न्यूजीलैंड के बारे में तो आप सब लोगों को पता हो कि काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है, काफ़ी खूबसूरत कंट्री है, और एक सिटी है न्यूजीलैंड में ऑकलैंड, वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, और हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं, अच्छा पैसा अर्न भी कर रहे हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट है उसको दिखा देता हूँ, किस तरह से आपको जॉब एप्लीकेशन करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और अब जो आप लोग दोस्तों देख रहे हैं ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस वेबसाइट पर जितनी भी कंपनीज एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर की लिस्ट में आती हैं उन सभी कंपनीज़ का नाम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान से देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप वीडियो स्किप करेंगे तो आप इन्फॉर्मेशन जो मिलने वाली है उसको मिस कर देंगे, एंड आपने ज़रा सी भी इन्फॉर्मेशन मिस कर दी तो दोस्तों आपको वर्क वीज़ा नहीं मिल पाएगा न्यूजीलैंड का। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेंशन कर दिया, आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाना है। इस के लिंक पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग डायरेक्टली इस पेज पर विजिट हो जाएंगे, इस वेबसाइट पर विजिट हो जाएंगे। तब दोस्तों यहाँ पर आपको देखो फर्स्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फाइंड एन एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर, ठीक है। थोड़ा सा आपको इस तरह से स्क्रॉल अप करना है और यहाँ पर आपको वो सभी कंपनीज देखने के लिए मिल जाएंगी जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर की लिस्ट में आती है। तो जो पहली कंपनी हमारे उसका नाम है एक्सेस कम्युनिटी हेल्थ लिमिटेड, ठीक है। देन उसके बाद में हमारी जो सेकंड कंपनी है उसका नाम है एक्सेसिबिलिटी प्रॉपर्टीज न्यूजीलैंड लिमिटेड। थर्ड जो कंपनी है वो है एक्सीडेंट कंप्रेशन कॉरपोरेशन SEC। सभी कंपनीज में अलग अलग टाइप की जॉब्स निकली हुई है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर एक कंपनी है एफको मीट प्रोसेसिंग लिमिटेड, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है वो अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले आप इस कंपनी का नाम को कर लीजिए कॉपी, ठीक है। यहाँ से कॉपी कीजिए, गूगल पर जाइए, गूगल पर जाकर इस नाम को आपको सर्च कर लेना, ठीक है। तो ये देखो हमें कंपनी देखने को मिल जाएगी होम एफको लिमिटेड, ठीक है। एक ये मीट प्रोसेसिंग की कंपनी है। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर आपको इस कंपनी का जो कैरियर पेज है उसका एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो आप डायरेक्टली विजिट हो जाएंगे इस कंपनी के कैरियर पेज पर। यहाँ पर आपको इस कंपनी में जितनी भी जॉब वैकेंसीज निकली होगी वो सभी देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं और न्यूजीलैंड का ये वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ उन्हीं कंपनीज में जॉब के लिए एप्लीकेशन करना है जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर होते हैं, ठीक है, क्योंकि वही आपको ये वीज़ा प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये हमारी कंपनी है और इस कंपनी में देखो अभी बहुत सारी दोस्तों जॉब्स निकली हुई हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर जॉब्स बता देता हूँ। प्रोसेस वर्कर एंड फैक्ट्री लेबर के लिए जॉब निकली हुई है, ठीक है। तो भाई जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, लेबर का काम करना चाहते हैं न्यूजीलैंड जाकर, तो देखो भाई प्रोसेस वर्कर फैक्ट्री लेबर के लिए जॉब निकली हुई है न्यूजीलैंड के अंदर। उसके बाद में रजिस्टर्ड नर्सेज के लिए जॉब निकली हुई है इस कंपनी में। उसके बाद में स्टॉक यार्ड टीम मेंबर्स, फ्रीज हैंड्स के लिए, रिसेप्शनिस्ट के लिए जॉब निकली हुई है, मेंटेनेंस फिटर, क्लीनर के लिए जॉब निकली हुई है, इलेक्ट्रिशियन के लिए जॉब निकली हुई है। देखिए इलेक्ट्रिशियन के लिए कितनी सारी जॉब निकली हुई है, फिटर के लिए जॉब निकली हुई है, प्रोसेस मीट प्रोसेस वर्कर के लिए जॉब निकली हुई है, मिक्स्ड लीव स्टॉक वर्कर के लिए, सुपरवाइजर के लिए जॉब अभी करंट में इनके पास निकली हुई है। देखिए यहाँ पर कितनी सारी जॉब्स है। तो ड्राइवर हो, चाहे लेबर का काम आपको करना हो, फार्म वर्कर का काम करना हो, सभी तरह की जॉब्स दोस्तों इनके पास निकली हुई है और आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए क्लीनर के लिए बहुत सारी जॉब्स दोस्तों निकली हुई है, क्लीनर और फैक्ट्री लेबर के लिए बहुत सारी जॉब्स निकली हुई है। तो अब आपको करना क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी पहली जॉब है वो निकली हुई है, जो सबसे पहली जॉब है, ठीक है, वो है फैक्ट्री लेबर के लिए। इस जॉब पर आपको क्लिक करना है। जब आप लोग क्लिक करेंगे इस जॉब के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी कि भाई जो जॉब है किस सिटी में आपकी रहेगी और कितने घंटा आपको काम करना होगा और कंपनी आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करा रही है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने प्रॉपरली मेंशन कर दी है। और यहाँ पर देखो इन्होंने क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए अगर आप इस जॉब को न्यूजीलैंड में जाकर करना चाहते हैं, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर मेंशन की है। अब हमें यहाँ पर करना क्या होगा, देखो यहाँ पर आप जब लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना रिज्यूम, ठीक है,
सीवी अटैच करना है जो कि न्यूजीलैंड फॉर्मेट का होना चाहिए, और सीवी आपका जो होना चाहिए वो उसी जॉब का होना चाहिए जिस जॉब में आपको एप्लीकेशन करना है। लाइक आप क्लीनर में अप्लाई करना है तो क्लीनर का सीवी, फैक्ट्री लेबर की जॉब में एप्लीकेशन करना है तो फैक्ट्री वर्कर का आपका सीवी, जिस जॉब में भी आप एप्लीकेशन करेंगे उसी जॉब का आपका सीवी होना चाहिए। ठीक है, सीवी यहाँ पर अटैच करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अटैच करना है। फुल नेम में आपका फर्स्ट नेम पहले ऐड करना है, लास्ट नेम ऐड करना है, ईमेल आईडी आपको अपनी ऐड करनी है, ईमेल आईडी फिर से यहाँ पर ईमेल आईडी ऐड करनी है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस पूरा एड्रेस यहाँ पर ऐड करना है, कॉलिंग नंबर, उसके बाद में आपका एक्सपीरियंस कितना है वो यहाँ पर आपको ऐड करना है, एजुकेशन कितनी है वो यहाँ पर ऐड करना है। तो उन्हें लिंक्डइन ऐप पर प्रोफाइल बनाई है उसका लिंक यहाँ पर ऐड कीजिए, फेसबुक पर आपका अकाउंट है उसका लिंक ऐड कीजिए, रिज्यूम वाले ऑप्शन में आप अपना यहाँ पर रिज्यूम अटैच कर दीजिए या फिर आप अपना कवर लेटर भी अटैच कर सकते हैं। मैसेज टू हायरिंग मैनेजर वाले ऑप्शन में आपको अपना कवर लेटर पूरा यहाँ पर कॉपी करना है, क्योंकि जो कवर लेटर होता है एक जॉब एप्लीकेशन का रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, वो यहाँ पर अटैच करके नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों, आपका जो है इस कंपनी में जॉब के लिए एप्लीकेशन हो जाएगा। जैसे ही आपको कंपनी सिलेक्ट करेगी, आपका रिज्यूम आपका प्रोफाइल उनको अच्छा लगा तो आपको देखो आपकी ईमेल आईडी पर ईमेल करेगी कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आपको टाइमिंग देंगे कि हाँ इस टाइम पर हम आपका इंटरव्यू लेंगे। एंड अगर आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट कर लेती है आपको सिलेक्ट कर लेती है तो आपको दोस्तों आगे का प्रोसेस समझाएगी कि हाँ आप जो है ये डॉक्यूमेंट रेडी कीजिए और अपना आप जो है अपॉइंटमेंट लीजिए एम्बेसी में और जाकर अपने वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर दीजिए। सो दोस्तों इसी तरह से बहुत सारी कंपनीज है, ये मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको एक ही बताई है, तो बहुत सारी कंपनीज है जिनमें बहुत सारी जॉब वैकेंसीज अभी करंट में निकली हुई है और ये है वो लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको लिस्ट मैंने मेंशन कर दी, बहुत सारी कंपनीज है, इन सभी कंपनीज में एप्लीकेशन कीजिए। बट जो मैंने आपको कंपनी बताई है उस कंपनी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेंशन कर दिया, उस कंपनी में ज़्यादा एप्लीकेशन कीजिए क्योंकि इलेक्ट्रीशियन और लेबर की जॉब और क्लीनर की जॉब बहुत ज़्यादा निकली हुई है तो आपको काफ़ी ईजिली उनमें जॉब मिल सकती है। दोस्तों इस वीज़ा की जो टोटल कॉस्ट है वो तो मैंने आपको बताई दी है, लगभग $750 आपको पे करना है एम्बेसी में और आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा। ये वीज़ा आपको 90 डेज में मिल जाता है, 90 डेज से आपके ज़्यादा नहीं लगेंगे, लगभग 3 महीने का प्रोसेस टाइम होता है। आपको वीज़ा 2 महीने मिल सकता है, 1 महीने मिल सकता है। ये वीज़ा हम एप्लीकेशन कैसे करेंगे, एप्लीकेशन करने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डायरेक्टली इस वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, बट आपके पास में वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो मैंने आपको अभी बताए हैं। और आपको मैं एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखाते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में रहेंगे तो आप इस वीज़ा के लिए डायरेक्टली एप्लीकेशन कर सकते हैं। बट जो मेन डॉक्यूमेंट है वो जॉब ऑफर लेटर है, और जॉब ऑफर लेटर किस तरह से आपको मिलेगा और कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको जॉब ऑफर लेटर दे सकती है वो मैंने आपको बता ही दिया, उन कंपनीज में जाकर एप्लीकेशन कीजिए। लिस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेंशन कर दिए। बाकी सीवी का लेटर आपको बनवाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अगर एसएमएस कीजिए सकते हैं, सीवी का लेटर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर भाई आपको किसी एजेंट ने किसी एम्प्लॉयमेंट ने कोई जॉब ऑफर लेटर दिया आप उसको वेरीफाई करवाना चाहते हैं तब भी आप जो व्हाट्सएप पर आकर एसएमएस कर सकते हैं, काफ़ी कम चार्ज में आपका जो है जॉब ऑफर लेटर वेरीफाई हो जाएगा और वीज़ा भी चेक हो जाएगा कि रियल मिला है या फेक मिला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए काफ़ी जल्द।